बात करेंगे बहराइच की। बहराइच के नानपारा में दो भेड़िए सीसीटीवी में नजर आए हैं। दो भेड़ियों की खबर क्यों, ये समझिए। अभी तक ये जानकारी थी कि तमाम भेड़ियों को पकड़ लिया गया था, सिर्फ एक लंगड़ा भेड़िया जो है उसको रेस्क्यू करना था, लेकिन अब दो भेड़िए नजर आए हैं। भेड़ियों ने घर के बाहर बंधी एक बकरी को अपना निशाना बनाया, शिकार बनाया, उससे मुंह में दबा कर भाग गए। फुटेज आया सीसीटीवी कैमरे से, जो तस्वीरें आई हैं जो आप देख रहे हैं, इसके बाद साफ हो गया कि सिर्फ लंगड़ा भेड़िया नहीं है बल्कि और भी भेड़िए हैं। देखिए किस तरह से ये दो भेड़िए जो हैं यहाँ पहुंचे, वहाँ बकरी बंधी थी। और थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट करके दिखाते हैं, यहाँ देखिए किस तरह से, ये आपको धुंधला नज़र आ रहा होगा लेकिन देखिए एक भेड़िया इधर है, एक भेड़िया यहाँ, और दोनों बकरी के बच्चे को उठा कर ले आते हैं। यहाँ देखिए गली से आएगा, ये दोनों आएंगे और दोनों, ये बकरी छूटी फिर दूसरा पहुँचा और दोनों भेड़िए जो हैं इस बकरी को खींच कर लेकर फिर खेतों की तरफ, जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब तक की जो तस्वीर थी वो बहराइच के महसी इलाके में थी। महसी एक तहसील है जहां भेड़ियों के अटैक्स को सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। ये मामला जो है ये नानपारा इलाके का है। नानपारा भी बहराइच का ही हिस्सा है लेकिन महसी और नानपारा में दूरी है, यानी अलग अलग हिस्सों में ये अटैक कर रहे हैं। और इस तस्वीर से एक बात और भी साफ है कि सिर्फ एक भेड़िया नहीं है बल्कि झुंड में और भी भेड़िए हैं जो इस इलाके में अभी भी अपनी दहशत फैला रहे हैं। वन विभाग का दावा था कि सिर्फ एक ही भेड़िया है। 10 सितंबर को पांचवा भेड़िया पकड़ लिया गया था। तब से वन विभाग के 500 कर्मचारी भेड़िए की तलाश में लगे थे। 500 कर्मचारी एक भेड़ियों को खोज रहे थे। 25 किलोमीटर का पूरा एरिया है, इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 4 दिन पहले लंगड़ा भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद भी हुआ था लेकिन वन विभाग की टीम से पहुंचने से पहले ही वो यहां से भाग खड़ा हुआ। इससे पहले भेड़िए सिर्फ महसी इलाके में अटैक करते थे, अब नानपारा में भी भेड़ियों ने दस्तक दे दी है और भेड़ियों का झुंड जुलाई से लेकर अब तक 9 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, घायलों से मुलाकात की थी। शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है, जैसे एनकाउंटर होता है अपराधियों का, खूंखार अपराधियों का, उसी तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं, रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं आप इन्हें, तो इनको मार दीजिए ताकि लोगों की जान बच जाए, लेकिन अभी भी ये पकड़ से बाहर हैं। बहराइच में भेड़ियों के शिकार हुए लोगों की संख्या भी समझिए। 17 जुलाई को पहला मामला एक तरह से रिपोर्ट हुआ, पुष्टि हुई। मक्का पुरवा में एक 17 साल के बच्चे को भेड़िया ले गया, बाद में बच्चे का शव खेत में मिला। 26 जुलाई नकवा गांव में 3 साल की बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, अगले दिन गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। 3 अगस्त कुलैला गांव में 8 साल के बच्चे को भेड़िया ले गया, अगले दिन इसका शव मिलता है, किशन नाम के बच्चे की डेड बॉडी खेत में मिलती है। फिर 17 अगस्त को हिंद सिंह गांव में 4 साल की बच्ची पर भेड़ियों ने हमला कर दिया, हमले के बाद भेड़िया बच्ची को उठा ले गया। अगले दिन शाम को दरअसल इस बच्ची का शव गन्ने के खेत से मिलता है। बहुत तस्वीरें भी विचलित करने वाली आई थी। 21 अगस्त को 5 साल की खुशबू को भेड़िए उठा कर ले गए, अगले दिन 1 किलोमीटर दूर उसकी डेड बॉडी रिकवर की गई। 25 अगस्त को तो 52 साल की रीता को भी भेड़िए ने शिकार बना लिया। 26 अगस्त को 7 साल के बच्चे अयांश को भेड़िए ने शिकार बनाया। ये तमाम आंकड़ा है और अब तक 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या भी 50 के ज्यादा है। 16 सितंबर को लंगड़े भेड़िए ने रात 2:30 बजे छत पर चढ़कर 11 साल के बच्चे पर झपट्टा मारा, उसे खींचकर ले जाने लगा। बच्चे ने चीख पुकार मचाई, घर के लोग उठे, शोर मचाया तो भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बहराइच में लंगड़ा भेड़िया ड्रोन कैमरे में भी कैद हुआ है। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले भाग गया, इसके बाद टीम ने आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया, हालांकि उसका पता नहीं चल पाया है। लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने कुल 25 किलोमीटर के एरिया में सर्चिंग तेज कर दी है, लेकिन इस तस्वीर से एक और बात स्पष्ट हुई कि भेड़िया सिर्फ एक नहीं है बल्कि झुंड में और भी कुछ भेड़िए हैं।